अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कहीं दीप चले एपिसोड नंबर 8 के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि रिदा के वालदा उसे कहती हैं, बेटा हातिम के मोबाइल पर कोई तुम्हारे बारे में बहुत फिजूल किस्म के मैसेजेस कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, जबकि दूसरी तरफ रिदा भी ये बात सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि रिदा किसी भी ऐसे लड़के को नहीं जानती। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि घर की मुलाजमा जो कि शमीला के हरकतों को नोट कर रही है, वो रिदा की वालदा को खबरदार करते हुए कहती है, शमीला बीबी मुझे बहुत अजीब लगती हैं, उनसे आपको बहुत संभल कर और बहुत बच कर रहना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमीला वही करती है जिसका डर होता है। शमीला अपने शोहर यानी रिदा के भाई को मैसेजेस दिखाते हुए कहती है, मेरे फ़ोन पर कोई रिदा के बारे में मैसेजेस कर रहा है, कहीं रिदा का किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। ये सब जानकर रिदा का भाई बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रिदा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमीला ये मौका हाथ से नहीं जाने देती और अपनी वालदा को फ़ोन करके रिदा के बारे में बताती हैं, मुझे पहले ही शक था कि रिदा ज़रूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। अभी तो आप देखिएगा कि रिदा की मोहब्बत के किस्से कहाँ कहाँ तक फैलते हैं। मीला की ये सब बातें बाहर खड़ी रिदा के वालदा भी सुन रही होती हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती हैं और शमीला को आवाज़ देती हैं। शमीला उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जब शमीला की हकीकत सबके सामने आएगी और ख़ासतौर पर उसके शौहर के सामने आएगी, तब शमीला अपने अंजाम को पहुँचेगी और इसे बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।